समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर बी पांडे आए और इस अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य था कि लोकतंत्र को बचाने में शिक्षक की भूमिका। इस अवसर पर सभी पदाधिकारियों एवं बुद्धिजीवियों ने अपने अपने विचार रखे और शिक्षकों की समाज में बिगड़ती हालत पर अफसोस जताया और इस बात पर जोर दिया गया कि शिक्षकों की हालत सुधारनी है। जो बेरोजगारी है उन्हें रोजगार मिलना चाहिए, पुरानी पेंशन की समस्या पर कार्यवाही हो, वित्तहीन शिक्षकों को मानदेय मिलना चाहिए। यह सरकार लोकतंत्र की हत्यारी है। इसके अलावा यह संकल्प लिया गया कि 2022 में समाजवादी सरकार को लाना है। शास्त्री जयंती की पूर्व संध्या पर जगदीश चंद्र कायस्थ शिरोमणि एवं चित्रा जनजागृति सम्मान से अलंकृत। बरेली में आज अंतर्राष्ट्रीय कायस्थ परिवार के तत्वावधान में पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी की 117वीं जयंती की पूर्व संध्या पर स्थानीय फराशी टोला में स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण, विचार गोष्ठी एवं सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सक्सेना एड के संयोजक में हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर दीपक सक्सेना ने की। मुख्य अतिथि श्री रणवीर प्रसाद धीर एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रजनीश सक्सेना रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं राष्ट्रगान प्रस्तुत कर हुआ। इस अवसर पर शैक्षिक एवं सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री जगदीश चंद्र सक्सेना को कायस्थ शिरोमणि सम्मान 2021 एवं चित्रा जौहरी को जन जागृति सम्मान 2021 से अलंकृत किया गया। सम्मान स्वरूप उत्तरीय प्रतीक चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र संस्था के पदाधिकारियों ने प्रदान किए। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष गीतकार उपेंद्र सक्सेना एड ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के योग्य एवं अत्यंत लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे हैं। वह ईमानदारी की मिसाल बने। निश्चित ही शास्त्री जी की सादगी सदियों तक भारतीय जनमानस को प्रभावित करती रहेगी। को अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार मिश्रा कार्यक्रम संयोजक के द्वारा रोटरी भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में सुरेंद्र मिश्रा ने सभी पत्रकार बंधुओं को संबोधित करते हुए बताया कि दिनांक 3 अक्टूबर को होने वाले विशाल ब्राह्मण भोज के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि भगवान परशुराम की विशेष अनुकंपा से, माता एवं पिता की प्रेरणा से इस श्राद्ध पत्र में विश्व कल्याण की भावना से कोरोना महामारी में अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों की आत्मा की शांति हेतु अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में 3 अक्टूबर 2021 को दोपहर 12 बजे से अपराह्न 2 बजे तक एक आनंद आश्रम रामपुर बाग में बरेली में एक विशाल ब्राह्मण भोज एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी मंदिरों के अधिक से अधिक पुजारियों को ब्राह्मण भोज हेतु आमंत्रित किया गया है। मिश्रा जी ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है देश व समाज को धर्म से जोड़ने एवं आध्यात्मिक चेतना जागृत करने वाले हमारे समाज मंदिर के पूज्य पुजारियों का सम्मान करने के उद्देश्य से एक ब्राह्मण भोज एवं सम्मान समारोह रखा गया है। श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण भोज की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए पंडित सुशील पाठक ने कहा कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पितृ पक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितरों की तृप्ति होती है। यह बहुत ही पुनीत कार्य है। प्रेस वार्ता में महामंडलेश्वर अमृतदास खादी, पंडित सुशील पाठक, लवलेश पाठक, गोविंद किशोर मिश्रा, हरीश जी, कुमुद शर्मा, विवेक मिश्रा आदि सम्मिलित हुए। प्रेस वार्ता में आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का सुरेंद्र कुमार मिश्रा ने आभार प्रकट किया तथा आगामी 3 अक्टूबर को आनंद आश्रम में होने वाले ब्राह्मण भोज की कवरेज करने का आग्रह किया है। देखिये, विश्व कल्याण के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। आप देखिए, पितृपक्ष चल रहे हैं, पितृपक्ष में हर कोई अपने अपने पितरों के लिए कोई न कोई भोजन कराता है, व्यवस्था करता है, परंतु यहाँ पर ये व्यवस्था जो की गई बरेली शहर में पहली बार उन लोगों के लिए जिन कोरोना कोविड में महामारी के में असामयिक मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गई, जिनका कोई नहीं है, उनके कल्याण के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए एक वृद्ध ब्राह्मण भोजन 3 अक्टूबर को आनंद आश्रम में रखा गया है। जो कार्यक्रम श्री सुरेंद्र मिश्रा जी के तत्वाधान में आपके संयोजन में रखा गया है, उसमें सभी ब्राह्मणों का, जितने बरेली शहर के मंदिर हैं, प्रमुख मंदिर हैं उन और छोटे मंदिर हैं, उन सबके पुजारियों को विधिवत भोजन कराया जाएगा, सत सम्मान उनको दक्षिणा वस्त्र आदि भेंट किए जाएंगे, सिर्फ उनके लिए जो कोरोना में असामयिक मृत्यु हुई उनकी आत्मा की शांति हो मिले उन्हें, ऐसे कल्याण की भावना से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसी संदर्भ में आज प्रेस वार्ता बुलाई गई है। ये बरेली शहर में पहली इस तरह का आयोजन पहली बार। देखिए, ब्राह्मणों में एक भावना होती है कि जन कल्याण, तो जन कल्याण की भावना से हमारे सुरेंद्र मिश्रा जी के मन में ऐसी भावना आई और ये कार्यक्रम अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष अभी हमारे सुरेंद्र मिश्रा जी बने हैं और इन्हीं के तत्वाधान में ये आयोजन किया जा रहा है। बरेली महानगर के जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों के पुजारी, थोड़े बहुत बाहर से, मगर लोकल बरेली शहर से ही सभी लोग बुलाए गए हैं और जिनका विशाल रूप में भोजन
वस्त्र और सम्मान सहित उन्हें विदा किया जाए। बरेली जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बरेली बदायूं मार्ग पर निर्माणाधीन लाल फाटक फोर लेन रेल उपरिगामी सेतु निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए रेलवे से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे निर्माण कार्यों में तेजी लाएं और निर्धारित समय सीमा में कार्य को पूरा करें। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही पुनः लाल फाटक के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के समय यदि निर्माण कार्य रुका मिला तो संबंधित के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी आज अपने कैंप कार्यालय में महानगर के विभिन्न मार्गों के चौड़ीकरण के प्रस्तावित एवं प्रगतिशील कार्य व अन्य विकास कार्यों की प्रगति के संबंध में उच्च स्तरीय समिति परियोजना अनुश्रवण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। जिलाधिकारी ने नगर निगम, विद्युत विभाग, वन विभाग को निर्देश दिए हैं कि यह सभी विभाग आपस में समन्वय करें और सुनिश्चित करें कि शहर के विभिन्न मार्गों के चौड़ीकरण के प्रस्ताव कार्य किसी भी दशा में रुकने नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय अंतर्गत कार्यों को पूर्ण किया जाए। उन्होंने विकास प्राधिकरण विभाग को निर्देश दिए हैं कि रामपुर रोड पर मिनी बाईपास तिराहे से वन विभाग की बाउंड्री तक सड़क चौड़ीकरण के कार्य में तेजी लाते हुए उसे जल्द पूर्ण कराया जाए। उन्होंने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत किए जा रहे फेज वन तथा फेज टू के सड़क निर्माण कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने यूनानी मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए और सचेत करते हुए कहा कि सुधार न होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। बैठक में नगर आयुक्त श्री अभिषेक आनंद सहित संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। मंडलीय रबी उत्पादक गोष्ठी में आज मंडलायुक्त श्री आर रमेश कुमार ने प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त को अवगत कराया कि बरेली मंडल में रबी की उत्पादकता में बढ़ोतरी करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उर्वरक तथा बीज आदि की समुचित उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है। किसानों को उनके गन्ना मूल्य का 82% से अधिक भुगतान किया जा चुका है। शेष भुगतान की प्रक्रिया का लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है। कलेक्ट्रेट सभागार में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडलीय रबी उत्पादक गोष्ठी में लखनऊ से कृषि उत्पादक आयुक्त के अलावा अपर मुख्य सचिव कृषि निदेशक, निदेशक सहकारिता, निदेशक पशुपालन, प्रबंध निदेशक, बीज विकास निगम, संयुक्त कृषि निदेशक, अभियंत्रण आदि शामिल हुए। कलेक्ट्रेट में मंडलायुक्त श्री आर रमेश कुमार, जिलाधिकारी श्री नीतीश कुमार, मुख्य विकास अधिकारी, संयुक्त विकास आयुक्त, संयुक्त कृषि निदेशक सहित पीलीभीत, शाहजहांपुर तथा बदायूं के जिलाधिकारी भी उपस्थित रहे। मंडलायुक्त श्री आर रमेश कुमार ने गोष्ठी में अवगत कराया कि बरेली मंडल में रवि की पूरी तैयारी कर ली गई है। बीज, खाद एवं अन्य कृषि निवेशों की कोई कमी नहीं है। अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नेपाल सीमा पर उर्वरक की कालाबाजारी को रोकने हेतु लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है। प्रत्येक स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस अधिकारियों के समन्वय से सख्त निर्देश जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि बरेली मंडल में उद्यान के क्षेत्र में काफी उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। रोटरी क्लब ऑफ रोहिलखंड बरेली द्वारा मिस्टर एंड मिसेस बरेली 2021 का आयोजन किया गया। थैलेसीमिया ग्रसित बच्चों की मदद करने हेतु रोटरी क्लब ऑफ रोहिलखंड बरेली के तत्वाधान से बरेली में मिस्टर मिस एवं मिसेस बरेली 2021 का आयोजन किया जा रहा है, जिसका ग्रैंड फिनाले दिनांक 2 अक्टूबर 2021 को निर्मल रिजॉर्ट मिनी बाईपास रोड पर शाम 7 बजे से आरंभ होगा। प्रेस वार्ता के दौरान प्रोग्राम चेयरमैन संजय रेकरीवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रतियोगिता में 100 से ज्यादा एंट्री प्राप्त हुई थी, जिसमें से 31 फाइनलिस्ट 2 अक्टूबर को ग्रैंड फिनाले में शिरकत करेंगे। प्रतियोगिता को जज करने हेतु बिग बॉस सेकेंड और एमटीवी रोडीज के विनर आशुतोष कौशिक, बॉलीवुड एक्ट्रेस शिप्रा कसाना एवं युवा कवि और टीवी आर्टिस्ट शाहरुख सिद्दीकी, दिलप्रीत कौर विशेष रूप से अपना योगदान देंगे। प्रतियोगिता के मुख्य प्रायोजक डॉक्टर बसुआई हॉस्पिटल, सह प्रायोजक ड्रीम जोन, डीजे सनी, वेडिंग टाइम्स, गुप्ता वॉच कंपनी, नम्रता कैटरर्स, पीयूष दीक्षित फोटोग्राफी, प्रकाश स्वीट्स, ड्रीम होम कंस्ट्रक्शन, स्कूटिन, रिकॉन, भाभीजी स्टूडियो, सुफनीन वाटर, मुरली डेकोर, रेडियो पार्टनर 92.7 FM एवं मेकअप पार्टनर स्टूडियो 11 है। प्रोग्राम चेयरमैन संजय रेकरीवाल ने बताया कि क्लब हमेशा से समाज की सेवा के कार्यों को कर रहा है। इस समय क्लब विशेष रूप से थैलेसीमिया के बच्चों के लिए कार्य कर रहा है। क्लब के अध्यक्ष रितेश खंडेलवाल ने बताया कि सन रेंज एंटरटेनमेंट के इवेंट मैनेजर पीयूष गौर के द्वारा पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। प्रेस वार्ता के समय सचिव मोहित मेहरोत्रा, शैवाल कपूर, संजीव मिश्रा, डॉक्टर महेंद्र बासु आदि मौजूद रहे। बता दें जिससे हम मैं आपको वही बता रहा हूँ, जो हमारे सनरेज के जो ऑर्गेनाइज, मैं इनको भी यहीं बुलाऊंगा। इनका ये है कि फिल्म इंडस्ट्री और उससे बहुत लिंक है। हम उनका जो बच्चे जो फाइनल में आ रहे हैं उनका पोर्टफोलियो तैयार करके और उनको आगे बढ़ने में प्रोत्साहित करेंगे। बाहर से भी कुछ कलाकार वगैरह आ रहे हैं? हाँ, बाहर से जो है वो हमारे एक MTV वो के रोडीज के विनर और बिग बॉस 2 के विनर आशुतोष कौशिक जी यहाँ आ रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिप्रा कसाना हैं, कवि और टीवी आर्टिस्ट शाहरुख सिद्दीकी हैं, ये लोग आ रहे हैं। ठीक है, जजमेंट के लिए जस्मीन कौर जी भी हैं, तो ये लोग जज करेंगे और जो भी उसमें से फर्स्ट सेकंड होगा, हम फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं रख रहे बल्कि फर्स्ट सेकंड रख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड जो भी होगा उसको हम लोग ऑनर करेंगे। वहाँ स्टेज पे पूरा प्रोग्राम है, जजेस
बाहर के हैं, इसलिए कोई भी पार्शलिटी वाली बात वहाँ नहीं होगी। मैं राजेंद्र प्रसाद मौर्य, ग्राम बिहारीपुर, पोस्ट खैलम, थाना अलीगंज, तहसील औला, जिला बरेली का रहने वाला हूँ और सभी क्षेत्रवासियों को 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इस दिन हमारे देश के महान नेता महात्मा गांधी जी और सुभाष लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है। अतः सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि सभी समाज सेवा में योगदान प्रदान करें। धन्यवाद।